पिटाई से नाराज युवक महिलाओं सहित थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस के आश्वासन पर संतुष्ट दिखा पीड़ित परिवार। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के कुरहरा गांव के मुन्नू प्रजापति ने मांडा थाना क्षेत्र के ऊंचडीह गांव के रत्नेश त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुन्नू प्रजापति के द्वारा पुलिस को दिए शिकायती पत्र के अनुसार वह अपनी आबादी की जमीन पर कल बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे घास काट रहा था, तभी ऊंचडीह गांव के रत्नेश त्रिपाठी आए और हमें घास काटने से मना करने लगे, तो मैंने पूछा क्यों रोक रहे हैं। इस पर रत्नेश त्रिपाठी गला दबा कर मारने लगे, तो मैं बचाने के लिए आवाज लगाया तो रत्नेश जबरन अपनी चार चक्का गाड़ी में बैठाने लगा। हल्ला गुल्ला सुनकर मेरा भाई रामराज आया और बीच बचाव करने लगा, जिससे मेरे भाई के हाथ में भी चोटें आई हैं। मुन्नू प्रजापति ने शिकायती पत्र में यह भी कहा कि जमीन कब्जा करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है, कई बार मेरे साथ मारपीट की गई है। उक्त व्यक्ति दबंग किस्म का है, जिस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे ऊपर फिर हमला न किया जाए। वहीं मुन्नू प्रजापति की पिटाई से नाराज पूरा परिवार थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। मुन्नू के भाई रामराज प्रजापति ने कहा कि पुलिस ने पूरा भरोसा दिलाया है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। पुलिस के रवैये से पूरा परिवार संतुष्ट दिखा। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामराज। अच्छा, तो रामराज जी, थाने पर आप महिलाओं के साथ इतनी संख्या में आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि जमीन की मामला है। किस गांव का? कुरहरा की आबादी है। आप लोगों का घर कुरहरा है? हाँ, कुरहरा है। तो उस पर कब्जा कौन? कब्जा हम लोग हैं। कब से हैं वहाँ पर? 20-25 साल हो गए, दादा पुरखा से सब। अच्छा, तो क्या मामला है? जो मामला ये है कि घास काटते हैं, घास काटने खातिर ये लोग मना करते हैं। कौन मना करता है? रत्नेश त्रिपाठी। तो ये काहे के लिए मना करते हैं? ये बोल रहे हैं कि हमारी है। अच्छा, ये कह रहे हैं हमारी है। हमारी है। तो आप लोगों ने इनसे कहा नहीं कि भैया जमीन हमारी है? हम बोले कि हमारी है जमीन, तो ये लोग मारपीट करने लगे। किससे मारपीट करने लगी? भाई से मारे। कहाँ है भाई? अब भाई हमारे हाथ में है, ये हमारे भाई है। अच्छा, तो इनके मारपीट किए, गाड़ी में दबाए। अच्छा, क्या करते? अच्छा, उसके बाद हमने गए छोड़ाने, तो हमारे भी हाथ में चोट लग गई, 5 से दब गया। कहाँ चोट लगी है? ये हाथ। तो थाने पर आए थे, क्या हुआ, क्या कहा आपसे? दीवान ने बोला कि आश्वासन दिया है कि कल ने जो है कि चेक करके हमने कल भेजी। अच्छा, उन्होंने कहा है कल जाके जांच करें। हाँ, जांच करें। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट।